अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये एक हिंदुस्तान के तारीखी शहर औरंगाबाद का ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। इसका नाम जो है बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरे के बारे में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। तो ये जो है इसको दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। और ये जो है यहाँ पे इस मकबरे के अंदर में जो मज़ार है वो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवी थी, उनका नाम बीबी राबिया दुर्रानी था, उनका मज़ार मुबारक यहाँ पर है। तो ये जो मज़ार मुबारक और ये जो मकबरा है, ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बनाए थे, ये उनके जो लड़के थे आज़म शाह, ये उन्होंने बनाए थे। तो ये जो है बिल्कुल ताजमहल जो है आगरा का, उसकी बिल्कुल कॉपी की गई है। अगर आप ये गेट देखेंगे तो आगरा के ताजमहल का गेट भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। अब अंदर का भी जो आप मंज़र देखेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। चलिए आगे चल के हम आगे का अंदर का देखते हैं। ये गेट देखिए, इसके ऊपर में ना लकड़े के छोटे छोटे दरवाजे हैं, यहाँ से जो है सिपाही लोग पहरेदारी करते थे। गेट भी बहुत बड़ा है, अंदर से ये बिल्डिंग नुमा गेट है, अंदर से ऊपर में कमरा रहता है गेट के अंदर भी। ये देखो गेट कितना शानदार है, लकड़े का गेट है ये, इसके ऊपर में कुछ मेटल की जो है ये शीट लगी हुई है। ये लकड़ा भी नहीं है, लोहा है ये, लोहा। इतनी शानदार कारीगरी है। अंदर से इसकी पेंटिंग देखिए, ऐसा लग रहा है कि आजकल ही की गई है, ये सालों पुरानी पेंटिंग है। देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले महीने ही पेंटिंग की गई है, लेकिन ये कल पब्लिक ने, ये 500 साल पुराना है। ये देखिए बीबी का मकबरा कितना शानदार है। ये गेट से अभी हम अंदर आ गए, इस तरफ भी देखिए एक रास्ता है, इधर पूरा गार्डन है, वो आगे जो वॉल है वहाँ तक की इसका पूरा कंपाउंड है, कैंपस है। ये देखिए कितना शानदार फव्वारा है यहाँ पे, अभी ये बंद है, इसमें पानी नहीं है। इस तरफ भी जो है, ये देखिए इधर पूरा इसका रास्ता है, अंदर से बिल्कुल ताजमहल के जैसा। ये देखिए यहाँ पे स्टूल भी बना हुआ है, ये संगमरमर का, जैसा ताजमहल के सामने फोटो निकालने के लिए बनाया ना। और ये जो है यहाँ पे ऐसी फव्वारा भी है, ये जैसा ताजमहल के सामने ऐसे झाड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे झाड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये फव्वारा भी है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, शायद इनका बजट जो है थोड़ा कम है, इसलिए इन्होंने पानी नहीं डाले इसमें। देखिए ये करीब से हम अभी करीब आ गए हैं गुंबद के, मकबरे के। तो ये जो पानी है इसके अंदर में, जो पानी आता है, ये जो ऊपर का ये जो प्लेटफॉर्म है दिख रहा है पूरा, तो बारिश का पानी जो ऊपर जमा होता है पूरा, वो जो है ये जो सामने प्लेट दिख रही है, ये प्लेट से नीचे आता है ना, वो जो प्लेट दिख रही है वाइट कलर की, वहाँ से नीचे आता है, और फिर यहाँ से अंडरग्राउंड ये जो सुराग दिख रहा है इसमें से इसके अंदर आता है। ये पूरा सीवरेज सिस्टम है इसका, इतना प्यारा। और जाने के लिए दरवाज़ा है कि अंदर, और ये यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है। ये देखिए यहाँ से आता है बारिश का पानी, ये भी संगमरमर का पत्थर है। चलिए अब ऊपर चढ़ के देखते हैं यहाँ से। ये देखिए ऊपर आ गए हम इधर। ये जो है ये मस्जिद है, ये निज़ाम सरकार ने बनाई थी, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने बनाई थी। ये इसका फ्रंट भी हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है अंदर जाने का। और ये जो है इसका पूरा अहाता है, यहाँ पर भी पानी का ये हौज है। अब ये जितने भी फव्वारे लगे हुए हैं, है ना, ये भी जो फाउंटेन दिख रहा है, ये जो है ये सब बिना मोटर के चलता था। ये ऐसे गेट से हम लोग ऊपर आए, ये पूरा प्लेटफॉर्म है, पानी पूरा जो है इसका, जो बारिश का पानी है, यहाँ कुछ भी जमा नहीं होता, सब बराबर इसकी जगह बनी है जाने की, लेकिन कुछ दिखता नहीं है कहाँ से जाता है, छोटे छोटे से सुराख है, नीचे जाता है पानी, एक जगह जमा होके पूरा गार्डन में जाता है, ये पूरा गार्डन है। यहाँ पे मस्जिद भी है। अब जो हज़रत राबिया दुर्रानी की जो मज़ार है, वो ये सामने में नहीं है, वो अंडरग्राउंड है, और उसको जाने का जो असल रास्ता है वो ये गेट जो दिख रहा है जाली का, इसके अंदर से सीढ़ी है, लेकिन वो अभी बंद है, इसलिए जो ओरिजिनल मज़ार है वो वहाँ तक जा नहीं सकते। ये देखिए सीढ़ी दिख रही है अंदर जाने की।
तो ऊपर से ही देखना पड़ता है, ये अंदर से यहाँ से देख सकते हैं अपन एक हाइट से। ये ओरिजिनल मज़ार है, ये हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बीवी की मज़ार है, हज़रत राबिया दुर्रानी। यहाँ पे लोग पैसे डालते हैं, यहाँ से पता नहीं क्यों डालते हैं। इससे पहले जब मैं आया था तो बहुत सारे पैसे थे, ये पूरा जो ये है पूरा भरा हुआ था पैसे से, शायद अभी यहाँ से निकाल लिए पैसे। इसकी देखिए कितनी हाइट है और अंदर पूरी कारीगरी की हुई है, एकदम शानदार। अब इतने साल हो गए इसको, लगभग 500-550 साल हो गए, लेकिन अभी तक के अंदर की कारीगरी मौजूद है। इसका जो ये मीनार में चढ़ने का रास्ता है इधर से, और जो फव्वारा एक फ्रंट में था वैसा ही फव्वारा साइड में भी है, और चारों कोने पे ऐसी चार मीनारे हैं। मीनारे की कुछ हालत जर्जर हो गई, ऐसी नज़र आती है यहाँ से कुछ हिस्सा झड़ गया है। ये देखिए संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है पूरा, एकदम शानदार। ताजमहल जो है इसका हर हिस्सा संगमरमर से है, लेकिन इसमें जो है कुछ हिस्सा संगमरमर से है और कुछ हिस्सा जो है ये पता नहीं किसी टाइप का प्लास्टर है, लेकिन ये भी बहुत अलग टाइप का प्लास्टर है। ये हम लोग जो करते हैं घर में वो नहीं है, बहुत मजबूत है ये, ऐसा लग रहा है कि ये भी पत्थर ही है, और उसमें भी जो है कारीगरी की हुई है। इतने ज़माने पहले का प्लास्टर है ये, हालांकि पत्थर का काम नहीं है प्लास्टर है, लेकिन फिर भी अभी तक के टिका हुआ है। ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। पीछे से भी जो है फाउंटेन है, चारों तरफ चार फाउंटेन है, एक तरफ से मस्जिद है, फाउंटेन नहीं है। और ये एक गेट ये बैक साइड से भी दिख रहा है, और बैक साइड से भी खूबसूरत गार्डन है। शायद पानी की कमी है इस इलाके में, इसलिए जो ये जो पानी के जो फाउंटेन बने हुए हैं इसमें पानी नहीं है, सूखा है पूरा। गार्डन की भी हालत पानी की कमी की वजह से थोड़ी खस्ता हो रही है। आम के ये पेड़ है, ये पेड़ की जो बनावट है इसको देख के लग रहा है कि कई बरसों पुराने पेड़ है। ये भी एक नीचे जाने का रास्ता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये मकबरा। औरंगाबाद जो है ये जगह ये पहाड़ियों के बीच में है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ है, उसी के अंदर में जो है केव्स बनी है। दूर दूर से यहाँ पे ज़ायरीन इकराम आते हैं कारीगरी को देखने के लिए, और ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आगे की और भी औरंगाबाद की हिस्ट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इतना कह दे के तू हमारा है, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वसीयतों का हिसाब क्या, तू मुहित आलम रंगो बु तेरी शान परदादारी है, ये अच्छी राजदारी है, ये अच्छी परदादारी।